नमस्कार, मैं हूं गरिमा। स्वागत है आपका 9 भारत समाचार में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। विद्युत सप्लाई ना मिलने पर आक्रोशित ग्रामीणों ने जेई के घेरा। विद्युत सप्लाई के नाम पर 50 किलो गेहूं लेने का लगा आरोप। गेहूं ना देने पर 6 माह से मिल रहे हैं लो वोल्टेज। अभियुक्ताओं ने बिसौली विद्युत उपखंड का किया घेराव। जेई एवं एसडीएम मुरादाबाद में लगाए नारे। ये पूरा मामला बदायूं जिले की बिसौली विद्युत उपखंड का है, जहाँ ग्रामीण ने विद्युत कार्यालय का घेराव किया तथा जेई और एसडीओ के खिलाफ नारेबाजी की। हम आपको बता दें, पीटर उधौती के ग्राम नकबला वन जो बिसौली विद्युत खंड उपखंड तृतीय से जुड़ा है, उसका आरोप है कि जेई तथा लाइनमैन दोनों ही 50 किलो गेहूं मांगते हैं। अगर नहीं देते तो ग्रामीण मात्र लो वोल्टेज बिजली मिलती है। इसी वजह से आज 6 माह हो गए हैं, कभी भरपूर बिजली नहीं मिली है। फसलें चौपट हो चुकी हैं। आज ग्रामीण ने प्रदर्शन करते हुए एटर जेई मुरादाबाद एनडीओ मुरादाबाद किनारे लगाए तथा जेई और लाइनमैन को हटाने तथा बिजली पूरी दिए जाने की मांग की गई। इधर एक्शन से ग्रामीण ने समझा कर शांत किया और लाइनमैन व जेई को हटाने का आश्वासन दिया गया और कहा कि बिजली सप्लाई भी सही होगी। क्या मामला है? मामला यह 6 महीने से लाइट टू फेस चल रही है हमारे यहाँ की। कौन सी क्षेत्र की? नगला बन गांव है। हीटर हमारा व्यती है, बिजली का व्यती है और सब जगह और कोई सुनवाई नहीं हो गई है। माननीय एक्शन महोदय, एसडीओ इस्लाम नगर महोदय, कोई नहीं। और जे हिसाब से मिलते हैं तो वो अभद्र व्यवहार करते हैं हमारे साथ। अभी आपके सामने आपने बड़ा रिपोर्ट किया है, अभी आपके सामने सारी समस्या हुई है और वहाँ के लाइनमैन को हटाने के लिए लिख दिया गया है और यही के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी निरीक्षण अभियंता महोदय से वो निवेदन किया, उनके हटाने के लिए पत्रचार भी कर दिया गया। वो वहाँ क्या नाम है अभी तैनात जेई का, क्या नाम है सर? नेम कुमार वाजपेयी। क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत वही बिजली की समस्या है और समस्या ये है कि अब तक हम या तो चोर थे या बिल्कुल जानते नहीं थे। वो कहते थे व्यथा ही करते चले आए। नेम कुमार जिसका नाम है, जैसे जेई कहते हैं, वो कहता है वीरेंद्र से 50-50 किलो गेहूँ लाओ हर कष्टकार से, ट्यूबवेल वाले से। वो देते रहे, हम बिजली चलती रही। इस बार हमने नहीं दिए और नहीं देने के बाद महीना 4 हो गए या 6 हो गए, वो जब जिस दिन से मना किया है गेहूँ का उस दिन से उस दिन आज तक बिजली नहीं दी। और बिजली देता है तो टू फेज देता है। उनकी शिकायत की आपने? अरे हमने शिकायत की, तो कोई समाधान नहीं मिला आज तक। हो जाएगा लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। 6 महीने से मैं चक्कर लगा रहा हूँ बिजली घर के। एसडीओ इस्लाम नगर भी बैठे हैं हमारे, कोई निस्तारण नहीं हुआ। और जेई महोदय से मिले तो उनके ये सब थे, बोले कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते मेरा वाल वाका, कहीं भी चले जाओ और आप ऑफिस से बाहर निकलिए। मेरे साथ ये किसान खड़े हैं सारे थे और अभद्र भाषा का प्रयोग करता है। बोला मेरी पावर है, मैं यहीं रहूँगा और बिजली नहीं दूंगा जब तक आप मुझे सुविधा शुल्क नहीं दोगे। और लाइनमैन वीरेंद्र जो उनका सारा काम वो ही देख रहा है, वो ही असिस्टेंट जेई है, इन दोनों ने ऐसी तैसी कर दी। और गाँव में आप जाँच कराइए, जाँच की टीम भेजिए। एक्सीएन साहब का ये कहना था मैं टीम भेजूंगा, जांच कराऊंगा, 6 महीने से मैं देख रहा हूँ, कोई जांच नहीं कराई। ये हालत है हमारे गांव की।